लीजिए सर, टेस्ट करिए आप। तो बिल्कुल पनीर की, रियल पनीर की तरह लग रहा है। नहीं, ये भी आप प्लेन पनीर खा रहे हैं ना? अभी मैंने ये खाया। अच्छा, मैं प्लेन पनीर पनीर खा रहा हूँ। इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है उसमें और इसमें। बस थोड़ा सा फीका ज़्यादा लग रहा है उससे। सर टोफू जितना फीका होगा उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। विकास, विकास उसको फोन करके बोल दे कहीं जाए ना मशीन पैक करने। भी सही है और इसमें स्मेल भी नहीं है। अब आप ये खाइए। मैं ये ऊपर से डाला हुआ है या फिर? सर ये प्लेन जीरा है और काला नमक है, दैट्स ऑल। नहीं, ऊपर से डाला हुआ है। ऊपर से डाला है ये, उसके अपेक्षा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। नहीं, सॉफ्ट दोनों ही इक्वल है, एक ही मतलब पनीर एक ही है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसे ही। पीसेस की वजह से सारा लग रहा हूँ, पीसेस तो सेम कर रहे हैं। उसकी वजह से मसाले की वजह से रेस्ट और अच्छा हो गया। काफी मतलब काफी अंतर रेस्ट में इसके उसमें। ये प्लेन दूध है सर, वेनिला फ्लेवर का होगा ये वाला। सॉफ्टनेस में अंदर है सर? बिल्कुल नहीं है सर, आपको लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को सॉफ्टनेस में अंदर लग रहा है, हो सकता है नहीं। नमक डाल दिया काला। टेस्ट कैसा लग रहा है? टेस्ट अच्छा लग रहा है, मतलब जिस प्रॉब्लम को मैं यहाँ लेकर आया था वो प्रॉब्लम नहीं है। दूध पीजिए आप। मैं इसका भाग करने भी बाहर किया। दूध में तो बिल्कुल ही नहीं है, दूध तो लग ही नहीं रहा कि ये सोयाबीन का है। ऐसा लग रहा है गाय का दूध है। नहीं ऐसा गाय का दूध भी कलर की वजह से लग रहा है, नहीं तो भैंस का ही दूध लगेगा ये। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, गाय के दूध में और सोया के दूध में फर्क तो बहुत होता है। अच्छा है टेस्ट में? टेस्ट बहुत अच्छा है। अपने बारे में सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सुनील कुमार है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट संभल बवाला कस्बा से यहाँ आया हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, मैं इसका ब्रांड डालने की कोशिश सोच रहा हूँ। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि यार इसकी स्मेल और टेस्ट कैसे आए, स्मेल कैसे ख़त्म हो और टेस्ट बेहतर कैसे आए। तो मैंने हितेश सर का वीडियो यूट्यूब पे देखा
उसके बाद मैंने इनसे एड्रेस लिया और फिर मैं यहाँ आज आया हूँ, और मैंने इनका पनीर भी टेस्ट करके देखा है और इनका दूध भी पी के देखा है। ना तो वो स्मेल है और टेस्ट भी बहुत बेहतर है और सॉफ्टनेस भी काफ़ी अच्छी है, और दूध तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि सोयाबीन का दूध है, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस का दूध पी रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सुनील, थैंक यू।